तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आपको सीधे ले चलते हैं हरियाणा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ फरीदाबाद में जन संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। जी को कैद करके रख दिया था, तब तो माना जा सकता था कि मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हो सकता। लेकिन 1947 में देश की आजादी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तत्काल होना चाहिए था, विवाद भी नहीं था। कांग्रेस की सरकार चाहती तो निर्णय लेती, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करती, लेकिन विवाद नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए, नहीं होने दिया। राम मंदिर के विवाद का समाधान नहीं होने दिया गया। और याद करिए, कांग्रेस जिस समस्या का समाधान 65 वर्षों में नहीं कर पाई, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद और उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में, और 19 में अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं, कांग्रेस ये समस्या का नाम है। देश की जितनी भी समस्या है ये सब कांग्रेस ने दी है। देश के विभाजन की त्रासदी हो, देश के बंटवारे की त्रासदी हो, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की ये कुत्सित चेष्टा रही हो, देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद और अराजकता की भट्टी में धकेलने का कार्य रहा हो, देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दुष्प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस देश की समस्या का है नाम है, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है। समाधान बहनों और भाइयों, मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गया था। जम्मू में बारिश पड़ रही थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मैं तो अचानक ही अंदर गया था, मुझे तो वहां लैंड करके तत्काल वहां से हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए निकलना था, लेकिन मौसम खराब था इसलिए मैं अंदर चला गया। मैं अंदर जैसे ही गया, तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। उन्होंने उस वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं, चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं, मैंने उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया बहन और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकलना है। और याद रखना, भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है? इसलिए ही आवश्यक है, उत्तर प्रदेश तो आपकी बॉर्डर है, लगा हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश में किसी दंगे का नाम सुना है क्या 7.5 वर्ष में?
और आज से 7.5 वर्ष पहले हर दूसरे तीसरे दिन वहां एक दंगा होता था, हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, बरेली के दंगे हो, चाहे अलीगढ़ के दंगे, चाहे वहां मथुरा का जवाहर बाग की कांड की घटना हो, ये लगातार हर दूसरे तीसरे दिन घटना घटित होती थी। पिछले 7.5 वर्ष में कोई दंगा सुना क्या? कोई दंगा नहीं है। दंगा आज उत्तर प्रदेश के अंदर दफन हो गया है, समाप्त। दंगाई ये तो जेल में है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मतलब सुरक्षा की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार और सुशासन की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता बहन को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करना, भारतीय जनता पार्टी का मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करके भारत की आस्था को सम्मानित करना। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये कांग्रेस कर पाती? क्या ये लोग कर पाते? और मैं कहता हूं, जो उत्तर प्रदेश का नौजवान होगा, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जो यहां सर्विस कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, आज जब वो उत्तर प्रदेश का नाम बोलता होगा तो लोग सम्मान के साथ उसे देखते हैं, सम्मान के साथ देखते हैं। बहनों और भाइयों, कांग्रेस देश में आतंकवाद की समस्या देती है। क्या कांग्रेस के रहते कश्मीर में धारा 370 हट सकती थी क्या? देश के अंदर आतंकवाद की जड़ें धारा 370 भी मोदी जी ने समाप्त कर दी, यानी आतंकवाद समाप्त। आतंकवाद का समाप्त होने का मतलब वर्तमान सुरक्षित, भविष्य बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान को तो सुरक्षित कर ही रही है, भविष्य को भी बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। याद करिए 10 वर्ष पहले का हरियाणा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से आकंड डूबा हुआ था, लूट खसोट थी, ऐसा माफिया नहीं था, खनन माफिया हो, वन माफिया हो, भू माफिया हो, संगठित अपराध में लिप्त माफिया हो या गौ माफिया हो, ये सभी के सभी कांग्रेस के सागर्द थे। ये सभी हरियाणा का शोषण कर रहे थे, हरियाणा के विकास में रोड़े अटका रहे थे। 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने विकास की एक नई यात्रा प्रारंभ की। आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 लेन और 6 लेन के सड़कों के माध्यम से, मेट्रो के माध्यम से, हर घर नल की योजना के माध्यम से, IIT, IIM और NIT, एम्स जैसे संस्थानों के माध्यम से, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में आज हरियाणा को नई पहचान दिलाई जा रही है। तो खबरें बढ़ते आगे, दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति की आखिरी खाली सीट के लिए वोटिंग हुई। इसमें बीजेपी उम्मीदवार सुंदर सिंह तनवर ने बाजी मार ली है। उन्होंने दिल्ली एमसीडी की स्थायी समिति की आखिरी सीट जीत ली है। चुनाव से पहले दिल्ली में काफी सियासी ड्रामा देखने को मिला था। बीजेपी ने एमसीडी की स्थायी समिति के 6ठे सदस्य के लिए चुनाव कराया था। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री आतिश ने कहा कि भाजपा द्वारा कराया गया चुनाव अवैध, संविधान विरोधी और अलोकतांत्रिक था। हमारे देश संविधान के अनुसार बने कानूनों पर चलता है।
से चल भारतीय जनता पार्टी ने कल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमिटी के छठे सदस्य के चुनाव करवाए। जो चुनाव कल भारतीय जनता पार्टी ने कराया वो चुनाव गैर कानूनी है, वो चुनाव गैर संवैधानिक है और वो चुनाव गैर लोकतांत्रिक है। हमारा देश, भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों से चलता है। दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत के पार्लियामेंट ने, संसद ने एक कानून पारित किया हुआ है जो है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957। उस दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 के तहत कई सारे नियम कानून बायलॉज बने हुए हैं जिससे एमसीडी चलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमिटी के छठे सदस्य के चुनाव करवाए। तो एमसीडी का चुनाव हुआ जिस पर अब मुख्यमंत्री आतिश का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस चुनाव को अलोकतांत्रिक तरीके से करवाई है, कानून की धज्जिया उड़ाती हुई भाजपा नजर आई है। तो एमसीडी का चुनाव अब सियासी रंग भी ले चुका है। तो दिल्ली में सियासी ड्रामा लगातार जारी है और अब मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला है। अब आपको सीधे ले चलते हैं जम्मू, जहां से प्रधानमंत्री मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। कभी भी खजाने को नहीं देखा है और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ओआरओपी लागू किया। अभी तक फौजी परिवारों को 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुका है। हाल में हमने ओआरओपी को रिवाइज भी किया है जिससे फौजी परिवारों को और ज्यादा पैसा मिलना तय हुआ है। साथियों, आज की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशों से घुसपैठिए यहां आते हैं तो न जाने क्या कारण है कांग्रेस को अच्छा लगता है। उनमें इनको अपना वोट बैंक दिखता है, लेकिन अपने ही लोगों की पीड़ा पर ये उनका भद्दे तरीके से मजाक उड़ाते हैं। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये संविधान के सबसे बड़े दुश्मन है। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया उस संविधान की स्पिरिट का गला है। आप देखिए, यही जम्मू में कई कई पीढ़ियों से रह रहे अनेक परिवारों को वोट देने तक का हक नहीं था। उन्हें इस हक से किसने वंचित किया? कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने किया है। अब भाजपा ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के स्पिरिट का सम्मान करते हुए ये अधिकार अपने इन भाई बहनों को दिया है।
पश्चिम पाकिस्तान और पीओके से आए हमारे बहन भाई, हमारे गोरखा साथी, हमारे वाल्मीकि परिवार देश के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अनेक पीढ़ियों से इनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर मजबूरन जीने के लिए छोड़ दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों के इस पाप को क्या कभी भी भुलाया जा सकता है? साथियों, भारत के संविधान ने लोकल बॉडीज की व्यवस्था बनाई है, लेकिन संविधान के इन दुश्मनों ने जम्मू कश्मीर में पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के चुनावों को भी रोक रखा था। संविधान के तहत शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के कमजोर तबकों को ये हक नहीं दिया। भाजपा सरकार ने ही संविधान में दर्ज ये हक दिए हैं। आज देखिए, जम्मू रीजन की 6 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। इसे गुजर, बकरवाल, पहाड़ी समुदाय, ऐसे हमारे अनेक समाजों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जिन साथियों को यह हक मिले हैं, वे अब खुलकर भाजपा की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से वोट दे रहे हैं। भाजपा पर भरोसा का ये फिक्स डिपॉजिट हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। इस पूंजी की रक्षा में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के कारण जिनको भी गांव लगे हैं, उनका मत, मजहब कोई भी हो, भाजपा हर गांव पर मरहम लगाने में जुटी है। भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए टीकालाल टपलू स्कीम की घोषणा की है। विस्थापितों के पुनर्वास के साथ साथ उन्हें जो आर्थिक सहायता मिलती है, उसको बढ़ाने का भी वायदा भाजपा ने किया है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर में आ रहे बदलाव से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी वाले भड़के हुए हैं। इन्हें आपका विकास पसंद नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो फिर वो पुराना सिस्टम लाएंगे, ये फिर वो भेदभाव वाला निजाम लाएंगे, और जिसका सबसे बड़ा शिकार हमारा ये पूरा जम्मू रीजन रहा है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ने जम्मू के साथ हमेशा अन्याय किया है। ये तुष्टिकरण के लिए कुछ भी कर सकते हैं,
आप इनके भाषणों को सुनिए, कैसे डोगरा विरासत पर ये हमला करते हैं। महाराजा हरि सिंह को बदनाम करने के लिए ये कैसे कैसे लांछन लगाते हैं। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कांग्रेस का परिवार डोगरा राज को भ्रष्ट बता रहा है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू क्षेत्र के लोग मुझे बताइए, क्या ये आरोप आपको स्वीकार्य है? स्वीकार्य है? साथियों, भाजपा जम्मू के साथ हुए ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते 10 सालों में जम्मू को IIT, IIM और एम्स जैसे बड़े संस्थान मिले हैं। कठुआ और सांबा जिले के कंडी क्षेत्र में भी नई सड़कें बनवाई जा रही है। चत्तरगला टनल बनने से तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।